अरविंद पासवान जी, कैसा रहा आपका बंद आज? आज का बंद बहुत सराहनीय है। अभी तुरंत हड़ताल समाप्त हुई है। मैं तमाम दुकानदार भाई, परिवहन महासंघ के तमाम परिवहन वाले ड्राइवर भाई, परिवहन महासंघ को, फुटकर भाई और तमाम शरीफ शहरी जिसने हमें इस आंदोलन में सपोर्ट किया, वो सारे लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आपने ये आंदोलन देश पैमाने पर था उसको आप लोगों ने समर्थन दिया, और शांतिपूर्ण समर्थन देने के लिए बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आप अब गाड़ियां चलने लगी है, विकास क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरा भारत का जो हम लोग का आंदोलन रहा, यह सफल रहा। इस सफल आंदोलन के लिए हमारे बीच कोई नेता नहीं था, हमारा भाई, हमारा चचा, हमारा छोटा भाई, बड़ा भाई, आज हम लोग सभी नेता थे, और अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक हम लोगों ने आज आंदोलन करने का काम किया, या जो भारत बंद था उसको सफल करने का काम किया। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बेगूसराय का जो पुलिस प्रशासन था उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट पूर्ण विचार करके इसको वापस नहीं लेगी तो पुनः हम लोग आंदोलन के लिए बाध होंगे। हमारे सहयोगी कार्यकर्ता जो सुबह से शाम तक बिना पानी खाना पिए खड़े रहे हैं और अपना संघर्ष को जारी रखे हैं, और इस आधार पर हम बोल सकते हैं आज का आंदोलन सफल रहा है। एग्जाम भी शांतिपूर्ण हुआ और आंदोलन भी हुआ। एग्जाम भी शांतिपूर्ण हुआ और आंदोलन भी, क्या कहेंगे आंदोलन की सफलता आज मान रहे हैं आप? आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कहना पड़ा कि आज आपका आंदोलन बहुत सक्सेस रहा है, इसके लिए पुलिस प्रशासन हमको धन्यवाद दिए हैं, इसलिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं पुलिस प्रशासन को। जो डीएसपी जनता को क्या, आम जनता को तो भूरी भूरी हम सलाम करते हैं जिन्होंने हमको साथ दिए, दुकानदार भाइयों ने साथ दिए, भरपूर सहयोग किए, इसलिए जनता और दुकानदार उनको भूरी भूरी हम समय अति प्रणाम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने बेगूसराय जिला वासियों के परिवहन संघ, चालक संघ और फुटकर दुकानदार, बड़े बड़े दुकानदार, होलसेलर, मॉल, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज हमारे मांगों के लेकर जो भारत बंद किया गया था उसमें उन्होंने स्वतः अपनी अपनी दुकानें बंद करके जो समर्थन दिए उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ रिक्शा चालक लोगों का भी जो दैनिक मजदूरी छोड़कर भी इस आंदोलन में, संवैधानिक आंदोलन में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बनाए रखने के लिए हम लोगों को उन्होंने, ये मार्केट से आ रहे थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत बंद का क्या असर है, 90% से अधिक दुकानें बंद मिली। जी जी, उसके लिए तो ही मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम दुकानदार भाइयों को जो आप लोगों ने इस बंद में सहूलियत पूर्वक अपने अपने इच्छा से स्वतः आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपने ने दुकान बंद किए। कहीं कोई झड़प नहीं, कहीं कोई अशांति नहीं, उपद्रव नहीं, शांतिपूर्वक जो हुआ यह हम लोगों के लिए बहुत ही फख्र की बात है। हमारे साथ पूरे दिन भर डटे रहे जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं, नौजवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आंदोलनकारी इस तरह से कर रहे हैं, प्रदीप क्या कहें? एग्जाम से जो वापस आए, आज का भारत बंद संपूर्ण सफल रहा, बिल्कुल शांतिपूर्ण संवैधानिक दायरे में रह करके भारत बंद हुआ। हमारे क्षेत्र से जीत के जाते हैं और आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो SC ST पर कलंक है। तो देखिए, काफ़ी गुस्सा भी है अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति, आंदोलनकारियों का। इनका कहना है कि जीत के जाते हैं इनके वोट से, लेकिन इनकी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। आप क्या कहेंगे? आप तो OBC समाज से आते हैं। क्या आंदोलन में हम लोग OBC समाज के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं बेगूसराय में, और बेगूसराय में जिस तरह से चप्पा चप्पा जाम हो गया था, इससे यहाँ के प्रशासन प्रशासन काफ़ी किसे संघर्ष करना पड़ा, और हम लोग चाह रहे हैं कि बेगूसराय में जितना SC ST OBC या समाज हो, सब मने किसे एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करे। नेता जाए भार में, नेता कोई भी रहे, पार्टी कोई भी रहे, सब भार में जाए। हम लोग सब समाज के लोग खुद लड़ने के लिए तैयार होंगे, तभी जाके हमारा आरक्षण बचेगा। आरक्षण नाम बता दीजिए। अरविंद यादव, बेगूसराय। सोशल मीडिया भाई जितना भी थे वही सड़क पर मौजूद थे, और बाद बाकी मीडिया जो है सोई हुई थी। विद्यार्थी के लिए ही, विद्यार्थी के भविष्य के लिए ही हम लोग सड़क पर उतरे थे। अब विद्यार्थी के भविष्य के लिए मैं विद्यार्थी
मैं विद्यार्थी का हर समय भला चाहूँगा और हमारा संगठन और हमारा समाज सदैव सदैव विद्यार्थी का भला चाहे। देखिए फर्स्ट नंबर तो जिस तरीका से आज शांतिपूर्ण हम लोग प्रदर्शन किए, भारत बंद करने का काम किए, रह गई परीक्षा की बात, हम लोग अपने जितना भी स्टूडेंट था ताकि उसका परीक्षा ने परीक्षा ना छूटे, इसलिए हमने उसके बाइक भी व्यवस्था किए थे कि अगर किसी ढंग से अगर उसको कठिनाई होती है तो उसको सेंटर पर पहुंचाने का काम करें। आप स्टूडेंट हैं, आज एग्ज़ाम दिए, भारत बंद जो कर रहे थे ये जो आंदोलनकारी, उनकी ओर से कोई दिक्कत भी ना? दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत नहीं। आप लोग को सेंटर में जाने में परेशानी? परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी तो नहीं है। बंद समर्थकों की ओर से नहीं, कोई परेशानी नहीं। मदद मिली? जी मदद तो मिली, समाज में से हम ही हैं, तब समाज के लिए तो सब कुछ करना चाहिए ना। तो यहाँ दिक्कत नहीं हुई? नहीं दिक्कत नहीं। तो दिक्कत नहीं हुई है, हमने पहले भी परीक्षार्थियों से बात की और ये बेजोर है, ऐसा कम देखने को मिलता है कि आंदोलनकारी परीक्षार्थियों को मदद करे, मरीजों की मदद करे, वृद्धजनों की मदद करे और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करे, ये देखने को मिला बेगूसराय में। अरविंद पासवान जी, कैसा रहा आपका बंद आज? आज का बंद बहुत सराहनीय है, यातायात पूर्णतः ठप रही और हमारा आंदोलन सफल रहा। और हमने जो वचन दिया था बेगूसराय प्रशासन को कि हमारे यहाँ परीक्षार्थियों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो वो भी हमने किया कि परीक्षार्थी अपने परीक्षा स्थल तक बहुत सही समय पर पहुंच गए। कुछ को जहां स्थान नहीं दिखा हुआ था उनको स्थान भी दिखाने का काम हम लोगों ने। आम लोगों का समर्थन भी मिला आपको? जी आम लोगों का समर्थन मिला और जो भी हमारे मतलब प्रशासन है वो भी हमारे साथ मतलब शांतिपूर्ण सहयोग करने में साथ दिया। जी क्या कहेंगे चंदन आप? मैं यही कहूँगा कि आज के आंदोलन में बहुत सराहनीय रहा और प्रशासन भी हमको सहयोग किया, साथ में यहाँ के बेगूसराय के जनता ने शांतिपूर्वक आंदोलन में भाग लिया और शांतिपूर्वक बंदी का आह्वान किया और खड़ा उतरा ज़मीन पे। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ SC ST के संघ और बहुजन समाज के लोगों को जो शांतिपूर्वक अपने बातों के रखा, एकदम शांतिपूर्ण रहा। देखते हैं हम लोग कहीं कोई अप्रिय कोई घटना नहीं हुआ और बिल्कुल अप्रिय घटना नहीं हुई। नहीं नहीं, भारत बंद के दौरान बेगूसराय शांतिपूर्ण रूप से माने सफल रहा बंदी, लेकिन कुछ जो NHI एक्ट के तहत जो प्रतिबंधित समय सीमा है उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ा है, NHI का जो लिमिटेशन है उसको पार किया है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पूर्णतः शांतिपूर्ण और सफल रूप से बंदी रहा, कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई। कितने बजे तक बंद की था सर लिमिटेशन? किसी चीज़ का नहीं था, न उनको परमिट था किसी समय का, उन्होंने लिखा था कि आज भारत बंद रहेगा, तो उनसे जो वार्ता हुई थी उसके तहत उन्होंने 2 बजे तक का समय दिया था, लेकिन उन्होंने 2 बजे सीमा को पार कर दिया। और कई अप्रिय घटना? जी नहीं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं। आज परीक्षा था, थोड़ा पैनिक की स्थिति थी क्योंकि भारत बंद भी था, परीक्षार्थी लोग चूंकि अदर जिला से आने वाले लोग थे, सब सही में समय पर आए, सभी का प्रवेश ससमय करा दिया गया और परीक्षा भी शांतिपूर्ण ढंग से सफल करा दी गई। चूंकि क्वेश्चन पेपर को पहुंचाने को लेकर बंदी की समस्या के कारण थोड़ी सी उहापोह की स्थिति थी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, सब ठीक ठाक से। बंद समर्थकों का कहना था कि हमने परीक्षार्थियों की मदद की और उनको कोई परेशानी नहीं हुई, हर संभव कोशिश की। हाँ उनके द्वारा सही बात बोली गई है, उनके द्वारा कहीं परेशानी नहीं की गई है और एक आध जगह कुछ बच्चे लोग साथ लेट उठ हुए थे, उनको पहुंचाने में भी उन लोगों ने सहयोग किया है। बंद समर्थकों ने सर? बंद समर्थकों, ये तो अच्छी बात रही सर। अच्छी बात है।